हम बनाएंगे एकदम मस्त तरीके से घर में कुछ ही सामानों से वनीला कपकेक की रेसिपी। ये ना बहुत टेस्टी कपकेक्स हैं, तो उसके लिए ना मैंने लिया एक बोल और बोल में डाल दिया मैदा, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच और 5 चम्मच, तो 5 बड़े चम्मच मैदे के ले लीजिएगा। और उसके बाद डालेंगे उसमें 3 बड़ी चम्मच चीनी। ये ना मैं आपको 4 छोटे छोटे कपकेक्स के लिए ये रेसिपी बता रही हूँ, मतलब इतना 4 छोटे छोटे कप बनाने के लिए आपको इतना सारा सामान चाहिए। और डाल दिया 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और उतना ही 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एकदम 1 छोटा चम्मच डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना। और सारे जो पाउडर्स हैं ना, इसे अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि सारा पाउडर आपस में मिक्स हो जाए। और उसके बाद डाल दिया 2 चम्मच एकदम घर की घी जो होती है ना, देसी घी जिसे हम बोलते हैं, वो डाल दिया। उसके बाद डाला दूध और मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से और बना लेंगे एकदम नॉर्मल वाला बैटर, न ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो वाला बैटर। अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और दूध डालिए। दूध अपने अंदाज से ना जब आप डालने लगेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी। मुझे ना इसमें पूरा 1 कप दूध लग गया एकदम अच्छा वाला बैटर बनाने के लिए। दूध डालते जाइए, मिलाते जाइए और हमेशा एक साइड ही मिक्स करना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद डाल दिया इसमें मिल्क मेड वाली कंडेंस मिल्क, 2 बड़े चम्मच मिल्क में डाला। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद ना इतना मिक्स कीजिएगा कि इसमें कोई भी छोटे दाने नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एकदम सॉफ्ट बैटर। उसके बाद डाला बिल्कुल 1 छोटा चम्मच विनेगर का, एकदम छोटी वाली चम्मच से विनेगर, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके बाद डाल दिया वनीला एसेंस, 5-6 ड्रॉप्स अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा। तो मैंने ना उसी तरीके से 5-6 ड्रॉप्स डाल दिए और वापस से मिक्स करेंगे, उसी डायरेक्शन में मिक्स करेंगे, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करना, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और थोड़ा मिक्स करने से ना आपस में बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सब मिक्स हो जाता है तो अच्छी तरीके से बनेगा। उसके बाद लिया एक घर वाला कुकर और उसमें स्टैंड लगा दिया। उसके बाद डाल दिया उसमें 2 ग्लास पानी के छोटे ग्लास के और कुकर को ढक के गर्म होने दिया। उसके बाद लिया ये मसाले बॉक्स वाले, तो मैंने आपको बताया था ना वही वाले छोटे कप, और सब में थोड़ा थोड़ा घी डाल दिया। कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना है, इसमें छोटे मसाले वाले कप से ही काम हो जाएगा, नहीं तो छोटी वाली कटोरी छोटा वाला मग जो भी आता है वो ले लीजिए। और उसके बाद 2-2 उंगली का डिस्टेंस छोड़कर सारे बैटर्स को डाल दीजिए कप में। और इसके बाद ना थोड़ा सा चॉको चिप्स भी डालेंगे, थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर भी आ जाएगा, टेस्टी भी लगेगा और कपकेक्स भी बहुत टेस्टी बनेंगे। तो सब में डाल दिया थोड़ा थोड़ा चॉको चिप्स और उसके बाद इसे बस 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 10 मिनट इनफ है। तो एक प्लेट लगाया और 4 छोटे छोटे कपकेक्स को डाल दिया कुकर में। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल घर की तरीके से कपकेक्स, कुछ भी अवन ववन कुछ नहीं चाहिए, कुकर में ही अच्छा सा बिल्कुल कपकेक तैयार हो जाएगा। और ढक्कन लगा दिया, सीटी सब निकाल दिया इसका, रबर और सीटी। और ये देखिए 5 मिनट में इतना फुल गया ये, लेकिन वापस से ना जब मैंने इसे चेक किया तो थोड़ा सा और पकेगा, तो पकाया टोटल 10 मिनट और ये कपकेक्स बनकर तैयार हो गए। जब ठंडा हुआ तो निकाल लिया ग्लास से बाहर। इतना टेस्टी कपकेक ना आपने सच में नहीं खाया होगा। आप एक बार इस कपकेक को घर पे ट्राई करो और उसके बाद ना मेरे कमेंट में बताओ कि कैसा बना है। एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और मतलब जब मैंने खाया ना, मिल्क मेड का फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था ना इस कपकेक में, लग नहीं रहा था मैंने घर पे बनाया, वो भी कुकर में बनाया। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय।